दोस्तों अगर आप एप्पल या फिर कोई भी फ्लैगशिप लेवल का एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो आपके पास एक ई सिम कार्ड जरूर से होगा। और अब तो सारी कंपनियां 5G ई सिम कार्ड प्रोवाइड कर रही है, चाहे आपके पास जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल का सिम है तो भविष्य में आपको 5G ई सिम कार्ड की जरूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें एक 5G ई सिम कार्ड मिल सकता है और क्या है इसकी प्रोसेस। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल, वेलकम टू टेक ब्यूरो। दोस्तों टेक्नोलॉजी के दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नए अपडेट्स होते ही रहते। वैसे ई सिम कार्ड की टेक्नोलॉजी नई तो नहीं है, पर यूजेबल ये अभी हो रही है। देखिए दोस्तों, हम इंडियंस को दो सिम यूज करने की आदत है, पर अगर आप एक फ्लैगशिप लेवल का एंड्रॉइड फोन यूज करते हो या फिर आप एक एप्पल का फोन यूज करते हो तो उसके अंदर आपको ड्यूअल सिम का ऑप्शन मिलता ही नहीं है। ऐसे केस में आपको अपने फोन के अंदर ई सिम कार्ड एक्टिवेट करके ड्यूअल सिम का ऑप्शन यूज करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, दिन ब दिन ये कंपनियां जो है फोन के अंदर से सारी चीजें हटाते जा रही है। जैसे 3.5mm का जैक हो गया, ये तो कंपनियों ने हटाई दिया है। यहां तक कि अब कंपनियां फोन के साथ चार्जर भी नहीं देती है और भविष्य में आपको सिम कार्ड लगाने का भी ऑप्शन आपके फोन के अंदर नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, ओनली एंड ओनली ई सिम का ही फ्यूचर होने वाला है सारे आपके एंड्रॉइड या फिर एप्पल फोन के अंदर। अब तो ई सिम कार्ड एक्टिवेट करने का ऑप्शन सारे कंपनियों के तरफ से हमें दिया जा रहा है, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या फिर वीआई हो या फिर बीएसएनएल हो, सारी कंपनी का ई सिम आप अपने फोन के अंदर एक्टिवेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कई बार हम जब फोन खरीदने जाते हैं तब कई फोन को हम इसीलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो ओनली एंड ओनली सिंगल सिम को सपोर्ट करता है। पर दोस्तों, कोई भी फोन रिजेक्ट करने से पहले आपको एक बार ये देख लेना चाहिए, चाहे वो फोन सिंगल फिजिकल सिम को सपोर्ट करता हो पर क्या उसके अंदर सेकंड ई सिम का ऑप्शन है। अगर उसके अंदर सेकंड ई सिम का ऑप्शन है तो आपको वो फोन डेफिनेटली खरीदना चाहिए, अगर आपको वो फोन पसंद आता है तो, क्योंकि उसके अंदर भी आप जो है ड्यूअल सिम यूज कर सकते हो। देखिए, फिजिकल सिम के जैसे ही आपका ई सिम काम करता है, जी हाँ, उसके अंदर आपको चाहे कॉलिंग करनी हो, चाहे उसके अंदर आपको इंटरनेट चलाना हो या फिर SMS भेजना हो, सेम तरीके से ई सिम भी काम करता है। जी हाँ, फिजिकल सिम का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ही ई सिम है। अब यहाँ पे ई सिम एक्टिवेट करने का भी प्रोसेस एकदम सिंपल है। जी हाँ, अगर आपको अपने फोन के अंदर ई सिम एक्टिवेट करना है तो सबसे पहली बात, आपका फोन ई सिम के लिए इलिजिबल होना चाहिए, मतलब आपके फोन के अंदर ई सिम चलना चाहिए। उसके बाद आपको एक सिंपल सा SMS आपके नेटवर्क प्रोवाइडर को करना है कि आपको अपने फिजिकल सिम को ई सिम कार्ड में बदलना है। इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया है कि कैसे आपको अपने फिजिकल सिम को ई सिम कार्ड में चेंज करना है। ये वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वो जाकर देख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, ई सिम के फायदे तो है पर यहाँ पे कुछ नुकसान भी ई सिम के निकल के आते हैं। जैसे कि हम किसी भी फिजिकल सिम को किसी भी फोन के अंदर डाल के कभी भी ऑपरेट या फिर चला सकते हैं, वैसा आप ई सिम के केस में नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ई सिम जिस मोबाइल के लिए, जिस IMEI नंबर के लिए इशू किया जाता है उसी फोन के अंदर चलता है। वो ई सिम आपका दूसरे फोन के अंदर तब तक नहीं चलता है जब तक आप एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके उस नए फोन के अंदर उस सेम ई सिम को जो है एक्टिवेट ना कर लो। हाँ, यहाँ पे आपका नंबर तो चेंज नहीं होता, जो आपके फिजिकल सिम का नंबर है वही नंबर आपको ई सिम के अंदर भी मिलता है, पर आपको ट्रांसफर करते टाइम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ई सिम के अंदर। फिजिकल सिम के जैसा ट्रांसफरिंग प्रोसेस इसका नहीं है, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू ही आपको नए फोन के अंदर ई सिम एक्टिवेट करना होता है। अब लेंदी रहे या फिर कुछ भी रहे, पर फ्यूचर ई सिम ही होने वाला है, क्योंकि पता नहीं ये कंपनियां धीरे धीरे हमारे फोन में से सारी चीजें हटाते जा रही है। आजकल तो कंपनियों ने चार्जर भी देना बंद कर दिया है और आगे आपको फोन के अंदर सिम का ट्रे भी देखने को नहीं मिलेंगे। आपको क्या लगता है, आपके फोन के अंदर फिजिकल सिम होना चाहिए या फिर ई सिम होना चाहिए? क्या है आपकी ओपिनियन, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? और शेयर कर दो ये वीडियो, बाकी लोगों को भी ये जानकारी पता चलनी चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।